मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज अपन विश्व की शक्ति पीठों में से एक शारदा मंदिर के बारे में बात करेंगे। शारदा मंदिर संसार का एक अकेला मंदिर है, शारदा माँ का। ये सतना जिले के मैहर गांव में बसा हुआ है और ये एक ऐसा चमत्कार है इस देश में, इस भारतवर्ष में बहुत सारे चमत्कार हैं, उनमें से एक चमत्कार ये भी है। इसको कब बनाया गया ये इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है, मगर यह ऐसा अनुमान है कि यह स्वयंभू मंदिर है और इसको मानने वाले या इसकी पूजा करने वाले आलाउदल थे। आलाउदल वो थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था और वो इनके बहुत बड़े उपासक थे। लोगों का कहना है आज भी आलाउदल सबसे पहले इस मंदिर में माँ की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके बाद आम जनता पूजा कर पाती है। मंदिर जो है वो 1000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और इसमें लगभग 1063 सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां भी बहुत ऊंची हैं, करीब 1000 आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1 फीट की एक सीढ़ी है। इस तरीके से 1000 फीट ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और इसमें अब तो खैर बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, बहुत सारा चीजें इसमें इसके साधन हो गए हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए। मंदिर जब ये बंद होता है शाम को, जब इसके पट बंद होते हैं, पुजारी सब लोग ताला बंद करके नीचे आ जाते हैं और जब सुबह 4 बजे इसके पट खोले जाते हैं तो इसमें जल चढ़ा हुआ होता है, फूल चढ़े हुए होते हैं और पूजा ये मानी जाती है कि माँ की पूजा आरती हो चुकी है। ये चमत्कार लोगों ने कईयों बार देखा है, अंग्रेजों ने भी इसकी जांच करने की बहुत कोशिश की मगर ये कुछ उसको समझ नहीं पाए, मगर ये मान्यता रही कि ये आलाउदल आते हैं और ये पूजा करते हैं। ये मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है और लोगों का कहना है या धार्मिक मान्यताएं हैं कि सती का हार यहाँ गिरा था, इसे इसलिए इसको मैहर बोलते हैं। बाद में सुधार करते करते ये मैहर हो गया, मगर ये जो है माँ का हार कहलाता है, माँ मैहर कहलाता है। और ये जबलपुर से लगभग इसमें पहुंचने के 3 स्थान हैं, सतना 40 किलोमीटर दूर है, जबलपुर 140 किलोमीटर दूर है और खजुराहो से भी लोग आते हैं जो 160 किलोमीटर दूर है। ये दोनों जगह जबलपुर और खजुराहो फ्लाइट से भी आया जाता है और इसमें बाय रोड भी आए जा सकते हैं। अब तो इसमें लक्ष्मण झूला बन गया है ऊपर मंदिर तक जाने के लिए, कुछ सीढ़ियां भर चढ़नी पड़ती हैं, बाकी आप रोड भी इतनी बन गई है कि आप काफी ऊपर तक कार से जा सकते हैं, बाकी पैदल तो जाते ही रहे लोग अभी भी जा सकते हैं। इस तरीके से इसमें आज भी लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ तक जब नवदुर्गा का वक्त होता है तो लगभग सभी ट्रेनें जो मैहर से गुजरती हैं यहाँ उनका यहाँ विश्राम होता है, यहाँ रुकी जाती है, स्टॉपेज होता है और लोग दर्शन के लिए आते हैं। आज भी यहाँ वैसा ही वातावरण है और इसकी बहुत ज्यादा इस मंदिर की मान्यता है। इसमें इसको मानने वाले लोग आज भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति यहाँ करवा पाते हैं और इसके दर्शन प्रतिवर्ष लोग आते हैं। आलाउदल 1 किलोमीटर करीब दूर आलाउदल का अखाड़ा है जो आज भी मौजूद है, एक तालाब है जो आज भी मौजूद है। लोगों का ऐसा अनुमान है कि आलाउदल यहाँ मेहनत करते थे, कसरत करते थे, व्यायाम करते थे, नहाने के बाद माँ के दर्शन करके, पूजा करके, आरती करके यहाँ से अपने दैनिक कार्य के लिए निकलते थे। लोग आज भी उस मान्यता के अनुसार आलाउदल के उस अखाड़े में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, फिर माँ की पूजा करते हुए अपने निवास स्थानों पर लौट जाते हैं। यहाँ से कोई आज तक खाली हाथ लौटा नहीं है, इसकी इतनी मान्यता है कि लोग बाग बोलते हैं यहाँ जो भी आता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए माँ उसको उससे निदान दिलाती हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। ये माँ का मंदिर संसार का इकलौता एक मंदिर है और आज भी इसकी प्रतिष्ठा वैसी ही है। धन्यवाद मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।